मंदसौर के शहर सीतामऊ थाना पुलिस ने 10 क्विंटल अवैध डोडा चूरा बरामद किया। सीतामऊ पुलिस ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिली थी। आरोपी अर्जुन पाटीदार और महिपाल पाटीदार कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली से 10 क्विंटल अवैध डोडा चूरा मादक पदार्थ परिवहन किया जा रहा था। वहीं मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने समस्त थाना प्रभारी को अवैध मादक पदार्थ का परिवहन या भंडारण और विक्रय पर रोकथाम करने के लिए व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राहुल पाटीदार निवासी रावटी और उसका साथी पुष्कर वैरागी ट्रैक्टर ट्राली से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सप्लाई करने वाले। सूचना के आधार पर सुरखेड़ा के पास में हमारे द्वारा चेकिंग लगाई गई, विभिन्न पार्टियां लगाई गई। उस आधार पर दो लोगों को हमारे द्वारा ट्रैक्टर ट्राली पर सवार लोगों को गिरफ्तार किया गया और महिपाल पाटीदार एवं अर्जुन पाटीदार उक्त लोग ट्रैक्टर ट्राली से दो लोग राहुल पाटीदार और पुष्कर बैरागी दोनों फरार हो चुके हैं। बट ये है कि ट्रैक्टर ट्राली को चेक करने पर 10 क्विंटल अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया जिसकी कीमत लगभग 20 लाख है।